गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यह वीडियो क्लास 6, 7, 8 के लिए है। हम लोग फॉर्म क्लासेज के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्री फ्रॉम अफिक्सेस, यानी कि अफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, यानी इनमें अफिक्स का प्रयोग नहीं होता है और न ही इनके अर्थ में कोई बदलाव होता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स में हम पहला पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं और प्रायर डिटरमाइनर का एक रूल है, इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। पहला है आर्टिकल्स, ए एन डी। हम लोग जानते हैं कि ए एन डी आर्टिकल है और हम देखें कैसे इसके बाद नाउन आता है। एन एप्पल, ए बॉय, द बुक। अब एन एप्पल, ए बॉय, द बुक, एप्पल, बॉय और बुक नाउन है जो ठीक इनके बाद आते हैं। दूसरा है पोजिशिव एडजेक्टिव, माई बुक, योर पेन। तो हम देखते हैं माई के बाद बुक, योर के बाद पेन आ रहा है, यानी कि इन दोनों डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आ रहा है। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दिस, दैट, दिज, दोज होता है। दिस मैन, दिस के बाद मैन है यानी कि नाउन है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। तो पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, तो इसमें वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, ईटीसी, ये सब आते हैं। इसे वन मैन, फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद नाउन आ रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ए लिटिल, मच, ईटीसी। इसे मैं बोलता हूँ ए लिटिल वाटर, तो ये ए लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसके बाद वाटर नाउन है। मच मिल्क, तो मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और मिल्क नाउन है। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनके बाद भी नाउन का प्रयोग होता है, जैसे एवरी और ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अब हम प्रयोग करते हैं एवरी पेंसिल, तो पेंसिल जो है नाउन है, एवरी के बाद आ रहा है। ईच बॉय, ईच के बाद बॉय आ रहा है जो नाउन है। सिक्स है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। व्हाट, विच, हुज, व्हाट इज द मैन, आदमी क्या है, तो मैन है नाउन और उसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद बुक आ रहा है जो नाउन है। हुज पेन इज दिस, हुज के बाद पेन आ रहा है जो नाउन है। थैंक यू।